सबके ऊपर अनंत अनंत उपकार। जो जगत गुरु कहलाते हैं, इस 24 के अंतिम तीर्थंकर हैं, वर्धमान महावीर, उनकी अनंत अनंत कृपा हम सब के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर। उस अनंत उपकारी
तीर्थंकर भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जो हम सबके लिए मार्गदर्शन दिया, संकेत किया, प्रेरणा दी, जो कि उस समय भी बड़ा महत्वपूर्ण था और आज 2500 वर्ष के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वह संदेश आप लोगों के समक्ष चल रहा है। यहां पर सूत्रकार कहते हैं लज्जमान पुड़ोपास, माने देख करके लज्जा होती है। अणगारा मोती में एगे पवे माना, बहुत से लोग अपने आप को अणगार कहते हैं, साधु मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, संत अपने आप को समझते हैं, श्रवणोपासक या श्रावक समझते हैं, सदगृहस्थ समझते हैं। ऐसे जहां पर भी जो प्राणी है वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, प्रकट करता है कि मैं सदगृहस्थ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मैं साधु हूं, मैं विद्वान हूं, मैं प्रशिक्षक हूं। ऐसे किसी भी रूप में आदमी क्या करता है, अपने आप को प्रशंसित करता है, अपने आप को प्रकट करता है। और जो भी प्रकट करता है तो अच्छाई के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन लज्जमान पुड़ोपास, ये जान करके बड़ी लज्जा होती है कि जमीनम विरुव विरुविंग सत्थिं पृथ्वी अप देव बाहु वनस्य तस्य कायानम सत्तम समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसई। ऐसा अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने वाले लोग, ये लोग नहीं जानते पृथ्वी काय क्या चीज है, अप काय उसका स्वरूप क्या है, तेव काय उसको किसे कहते, बाहु काय वनस्पति काय क्या चीज है, और तस्कायम सत्थम, और ये पांचों ही जो जीवनी काया है इस संबंध में कोई किसी प्रकार की जानकारी क्या करते रखते नहीं। प्रभु परमात्मा कहते हैं कितनी लज्जा की बात है, कितने शर्म की बात है, जो धरती हमारे को जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या करती है, सहारा देती है। पृथ्वी काय न हो, धरती न हो, पृथ्वी काय का सहारा न हो तो हम कब तक एक दिन के लिए भी क्या बच सकते। हमारा मकान है तो पृथ्वी काय से, हमारी दुकान है तो पृथ्वी काय से, चलते हैं तो पृथ्वी काय में रहते हैं, तो उनके आश्रय होकर के रहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारा पृथ्वी काय का हमारे ऊपर अनंत अनंत काय उपकार, लेकिन हम उसके स्वरूप को क्या करते, जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। वो क्या है इसका ज्ञान और अनुभव किसी को क्या करता होता नहीं। और पर्यावरण जिसके अंदर जिंदा रहते हैं, ये पृथ्वी काय के कारण, अप काय जल के कारण, तेव काय अग्नि के कारण, बाहु काय वायु के कारण, वनस्पति काय तमाम वनस्पति जगत के कारण, यही तो हमारा पर्यावरण है, इसी से तो हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं।
अंदर बाहर जो कुछ भी है यही सब कुछ तो हमारे जीवन के अंदर मौजूद है। हमारा शरीर पृथ्वी काय से बना हुआ है, अपकाय उसके अंदर भरपूर है, पेयकाय अगर ना रहे तो हम क्षण भर के अंदर मृत्यु क्या करते हैं कहलाते हैं, वायुकाय के माध्यम से हम जिंदे रहते हैं, श्वासोश्वास हमारा चलता है, वनस्पति काय रोज हम उसको क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, और तमाम दुनिया के त्रस कायों का हम सहयोग क्या करते हैं लेते हैं, जिनके बिना हम एक क्षण भी जी नहीं सकते, जिनके बिना हम दुनिया के अंदर रह नहीं सकते, जिनके अंदर जिनके बिना हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, जिनके बिना हम कोई धर्मध्यान नहीं कर सकते, जिनके बगैर हम कोई एक प्रकार का भी पुण्य का परिवंदन नहीं कर सकते, और जिनके सहयोग के बिना हम साधना भी नहीं कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते, और अपने आप को मोक्ष के नजदीक भी लेकर के क्या कर सकते जा नहीं सकते। ऐसे जो पांचों छो जो जीवनी काय हैं, इस संबंध में हमारी को कितनी जानकारी है, कितना प्रेम है, कितना उसके स्वरूप को जानते हैं। अब जब तक जानेंगे नहीं उसका, तो उसका सदुपयोग करेंगे नहीं, उसका दुरुपयोग ही क्या करते रहेंगे। अब जानते हैं महत्व तो उसका जो सदुपयोग करते हैं, अगर जानेंगे नहीं तो उसका क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। इसलिए इस दुनिया के लोगों ने पृथ्वी काय का इतना भयंकर दुरुपयोग किया, जिसके कारण बड़ी बड़ी प्राकृतिक दुर्घटनाएं क्या करती हैं घटती। जो पृथ्वी काय अमृत तत्व के रूप में था, जहां पर पूरा का पूरा मिट्टी का कण कण जो है उसके अंदर जो है एक अमृत तत्व, एक औषधीय गुण थे, उस सारे को हमने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जितने हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो 18 पोषक तत्वों में से कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर से कम हो जाता है तो बीमारी क्या कर जाती है, हो जाती है। वो 18 के 18 पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहे, उनका प्रमाण मौजूद रहे, तो आदमी स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। लेकिन उसमें से कोई भी तत्व कम या ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसमें कोई ना कोई तकलीफ और परेशानी क्या कर जाती है। और मिट्टी का एक एक कण, मिट्टी की एक एक चुटकी, उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने पोषक तत्व चाहिए, वो 18 के 18 पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जो चाहिए वो मिट्टी की चुटकी के अंदर क्या है, विद्यमान। और पहले करते क्या थे, वो तो हमने भी ऐसे ही किया है आज से 50-60 साल पहले। अगर किसी को बड़ा भारी चोट वगैरह लग गया, खून बहने लगा, आदमी कहीं ऊपर से गिर गया, ठोकर लगी, चमड़ी उतर गई, हड्डी दिखाई देने लगी, वो करते क्या थे, एकदम गए मिट्टी निकाली और उसके ऊपर लेप क्या कर दिया, लगा दिया, और मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी का लेप लगाने में 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक क्या कर जाता था, हो जाता। उसके अंदर सारे औषधीय तत्व। लेकिन अगर भाई देवे आजकल अगर जो किसी का जो अगर इस तरह से मिट्टी लगा दे तो उसका पैर काटना पड़ता है, उसकी उंगलियां काटनी पड़ती हैं, क्यों उससे वो जो खून रुकने की बात तो अलग है, लेकिन उससे वहां पर पीप पड़ जाता है, वो पीप पड़ जाता है तो और इन्फेक्शन हो जाता है, और वो पीप वहां से और आगे सरकना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि इसका पैर काटो, इसकी उंगलियां काटो, इसका हाथ काटो, तभी ये बच सकता है, वरना इसको क्या कर सकते। तो
तो ऐसी जो पृथ्वी का है हम लोगों ने ना समझ के कहा, अनेक सुखों की लालसाओं के अंदर पड़ कर उसको इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रशुद्धित कर दिया, जो मिट्टी अमृत के बराबर थी वो जहर के बराबर क्या कर गई। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं कि हम जिस मिट्टी से जिंदगी के अंदर जीते हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जो अपकाएं हमारे शरीर के अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर पानी ज्यादा है ऐसे पूरा शरीर हमारा अपकाय से भरा हुआ है, पीऊ का है हमारे शरीर की जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, जो शरीर के अंदर तेजस है, जिससे बहुत सी लब्धियां भी क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। अगर आदमी साधना करे, आराधना करे, योग प्राणायाम करे, गहरी साधना करे, तो ऐसा तेजस पैदा हो जाता है, ऐसी अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसा तेज पैदा हो जाता है, ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, किसी बीमार के शरीर के ऊपर हाथ फेरे तो अगले के बीमारी के कीटाणु क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किसी का खून का जो वहां पर आना जाना कम हो रहा, वो आदमी अगर उसके ऊपर हाथ भी रख दे तो खून का आना जाना सब क्या कर जाता है, चालू हो जाता है। और बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं जिनके सिर के ऊपर हाथ रखने हैं तो उसको ज्ञान क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसको ज्ञान क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत, उसी से तो हम जीते हैं। ये तेवकाय की अंतर्गत तो है, शक्ति है, और उसका विस्फोट हो जाता है तो सचित्त हो जाता है, विस्फोट नहीं होता है तो अचित्त होता है। क्योंकि पृथ्वी काय भी सचित्त अचित्त है, अपकाय भी सचित्त अचित्त है, तेवकाय भी सचित्त अचित्त है, बाहुकाय भी सचित्त अचित्त है, वनस्पति काय भी सचित्त अचित्त है, वो सारे काय सचित्त भी होते हैं और अचित्त भी होते हैं। और श्रवण लोग जो होते हैं वो सचित्त का प्रयोग नहीं करते, अचित्त का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो जैन धर्म के अनुसार आराधना साधना करने वाले विशेष रूप से ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वो लोग उस तरह का विवेक क्या करते हैं। और ये शास्त्रों की वाणी केवल साधुओं के लिए नहीं है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं ये साधु के लिए, साधु के लिए। अरे उनके लिए साधु श्रावक क्या चीज, भगवान महावीर स्वामी ने तो जो संदेश दिया प्राणी मात्र के लिए संदेश दिया, संसार भर के लिए संदेश दिया। लेकिन संबोधन तो किसी न किसी को करेंगे ना, अब हर आदमी का संबोधन तो नहीं कर सकते। तो प्रभु परमात्मा ने हम सबको, सारे दुनिया के लोगों को, चाहे राजा हैं, चाहे महाराजा हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे देश के हैं, चाहे विदेश के हैं, उन सबको यह संदेश दिया कि पृथ्वी काय का क्या उपयोगिता है, इस बात की जानकारी तुम्हारे को बहुत अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, होना चाहिए। अब काय का इसकी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी होती है और वो इतना उपयोगी अपने को मालूम पड़ता है, भाई उसके प्रति हमारे मन के अंदर एक अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, तो उसके विनाश से हम पूरी तरह से क्या करते हैं, बच जाते हैं। अब जिसके प्रति प्रेम होगा उसको रुलाते थोड़ी, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए तो स्वयं कष्ट सहन किया जाता है, अगले को सुख शांति दी जाती है। जहां प्रेम होता है वहां पर समर्पण होता है, जहां प्रेम होता है आदमी सब कुछ खो करके भी अगले को खुश रखने का प्रयत्न करता है, सुरक्षा रखने का प्रयत्न करता है। तो हम छह काय के जीवनी काय की उपयोगिता को अगर समझेंगे तो हम उसके प्रति हमारा प्रेम क्या कर जाएगा, ये तो बड़ा मूल्यवान, ये तो हर क्षण हर पल हमारे साथ रहने वाली चीजें।
ये अलग अलग रूप में बाहर भी हैं तो अंदर भी हैं, बाहर हैं तो पृथ्वी आप अलग हैं, हमारे शरीर में हैं तो शरीर के अंदर भी पांचों तत्व मौजूद हैं, और यही प्रसन्न रहेंगे, ये खुश रहेंगे, इनको तकलीफ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर सुख शांति का करेगी रहेगी। इस प्रकार से अगर हम उसकी उपयोगिता को समझते हैं, अगर उसके महत्व को समझते हैं, तो ऑटोमेटिक मन से प्रेम क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, अनुराग पैदा हो जाता है, अपनापन पैदा हो जाता है, ये मेरी अपनी चीज है, अपना सहयोगी है, तो ऐसा भाव पैदा हो जाता है, तो ये प्रेम जो होना यही अहिंसा का क्या है दूसरा रूप। प्रेम होगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे, प्रेम होगा तो उस पर तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, प्रेम होगा तो अगले का विनाश नहीं करेंगे, प्रेम होगा तो उसको जो महत्व को समझेंगे समझाएंगे। तो आज सारी दुनिया के अंदर यह आंदोलन चल रहा है, पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा करो, अपनापन पैदा करो, स्नेह पैदा करो, और उसको विनाश होने से क्या करो, बचाओ। अब धरती को तो ऐसा कर दिया, जिस गंगा के जल को अमृत कहा जाता था, अगर कोई पानी कहे तो लोग गाली देते थे, गंगा जल को पानी कहता है, जल को गंगा जल। अब ऐसे ऐसे नदियां थी जिसके अंदर स्नान करने से ही अपने शरीर की पता नहीं कितनी बीमारियां क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। बहुत सी बीमारियां जो स्किन की बीमारियां, दूसरी बीमारियां हैं, उस जल के अंदर स्नान करने से, इसलिए स्नान करने की भी हुआ, चलो जाओ स्नान करो तो तुम्हारे शरीर की बीमारियां वगैरह क्या हो दूर हो। लेकिन आज सारी नदियों को इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया, बिना फिल्टर के पीते हैं तो उससे जो जहर फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले सारे दुनिया को जगाया, सारे दुनिया को आह्वान किया, इन चीजों को समझो, इनके प्रति अपनापन रखो, इनको दूषित मत करो, इनका विनाश मत करो, ये तुम्हारे जीवन के सहयोगी हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी नासमझी से, अपने लोभ से, ऐसे ऐसे दुष्पर पर्यावरण को नष्ट करने के रास्ते अपनाए, आज सारी दुनिया के अंदर सब चीजों को प्रदूषित क्या कर दिया, कर दिया। और कोई भी चीज हमने शुद्ध क्या करने दी, रहने नहीं दी। अगर भगवान की वाणी को सब लोग सुने होते, सब लोगों ने अगर उसको स्वीकार किया होता, राजा महाराजा उसके अंदर जागृत रहते, लोग उसको सार्वजनिक रूप से, एक सार्वजनिक आत्मा की वाणी, एक महान आत्मा की वाणी सार्वजनिक रूप में उसका प्रचार प्रसार किया होता, तो शायद इस विनाश से हमारा देश क्या कर जाता, बच जाता, ये सारी पृथ्वी क्या करती, बच जाती। और आज तो सारी दुनिया के अंदर भगवान का नाम लेते ही हैं, उनका उन्होंने जो बतलाया उसी रास्ते के ऊपर चलेंगे नहीं तो विनाश क्या कर जाएगा। एक रजनीश आचार्य रजनीश हुए, आचार्य रजनीश ने एक पुस्तक लिखी है, महावीर या महाविनाश। और रजनीश तो कोई एक देश से बने हुए तो नहीं थे, वो एक धर्म से बंधे हुए नहीं थे, एक दर्शन से बंधे हुए नहीं थे, और आज तक दुनिया के अंदर ऐसा व्याख्याकार जो हर धर्म की व्याख्या कर सके, जो हर धर्म के ऊपर बोल सके, हर शास्त्र के ऊपर बोल सके, ऐसा विद्वान आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। आचरण दृष्टि से जो कुछ भी उसको समझते हो लोग, लेकिन उस आदमी ने दुनिया का कोई भी धर्म है जिसके ऊपर ना बोला हो, और उसके ही पुस्तकें और सारी दुनिया के अंदर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। रजनीश ने लिखा हुआ है महावीर या महाविनाश, या तो महावीर को जीवन में जियो या तो महाविनाश के लिए तैयार क्या कर जाओ। अगर महावीर का संदेश, अगर महावीर का उपदेश,
अगर महावीर का सिद्धांत अगर तुम्हारे जीवन से निकल गया तो ये समझ लो महाविनाश के सिवाय दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। वो बड़ी पढ़ने लायक पुस्तक। हमारे बड़े बड़े आचार्य इस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से उसने क्या किया व्याख्या की। उन्होंने कहा महावीर या महाविनाश, या तो दुनिया महावीर को अपनाए या महाविनाश के लिए तैयार क्या कर जाए हो जाए। ये बड़ी प्रसिद्ध उनकी क्या है पुस्तक है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े महान आत्माओं ने जैन धर्म को स्वीकार भी किया है, उस उपदेश को उपयोगी भी माना है। लेकिन प्रदूषण आज तो सारी दुनिया के अंदर बुरी तरह से क्या करी है फैली हुई है। अब इसका इतना अच्छा विवेचन भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले दुनिया को क्या किया प्रदान किया। ये तो सबसे पहला प्रवचन है, सबसे पहले ये संदेश सारी दुनिया को क्या किया दिया। अगर सबने अपनाया, उस समय तो अपनाया ही था लेकिन धीरे धीरे उस बात को भूल गए या एक संप्रदाय के अंदर संकुचित कर दिया। उसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो सका, वो जो जन जन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं सका। उसकी वजह से बहुत बड़ा पर्यावरण का विनाश दुनिया के अंदर क्या कर चुका है हो चुका और आज ये आंदोलन दुनिया के अंदर चल रहा है। तो ये तो हुई भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो शास्त्र के माध्यम से थोड़ी थोड़ी आप लोगों के समक्ष चल रही है और चल रहा है स्वर्णिम चरित्र। थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुना चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुना चरित रसीला रस बरसावे, हृदय भरे आनंद। चरित्र रसीला रस बरसावे, हृदय भरे आनंद। कौन भर विचरया में आवे, होवे परमानंद। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुना। तो बंधु महाराजा प्रसन्नजीत और उनके जे सभासद उनने कहा भाई अब क्या करना है किस तरह से। पहले साधारण परीक्षा भी ली, कठिन भी ली, लेकिन हर बात में श्रेणिक कुमार अव्वल रहे। उनसे उनका खतरा बहुत ज्यादा क्या कर गया बढ़ गया। तो इस समय उन्होंने सोचा है खतरनाक परीक्षा क्या करते हैं लेते हैं। सभासदों ने कहा महाराज इसमें ये दुर्घटना भी घट सकती, कोई राजकुमार मर भी सकता है, घायल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परीक्षा लेते हैं तो खतरनाक परीक्षा लेते हैं, उससे पता लगेगा, उससे जानकारी होगी कौन जो है राज्य को संभालने में क्या योग्य है। इससे लोगों को रणवास को या जो लोग श्रेणी कुमार का विरोध करते हैं उनको भी कम से कम पता लगे कि हम कहाँ हैं और श्रेणी कुमार कहाँ हैं। ऐसे खतरनाक जो है इसको क्या कर लेते हैं लेते हैं। तो पहले जो राजा महाराजा लोग जो ये शिकारी कुत्ते क्या करते थे पालते थे, जैसे घोड़े वगैरह हैं दूसरे हैं वैसे भी होते थे। तो शिकारी कुत्ते थे, सरकारी शिकारी कुत्ते, उनको दो दिन तक भूखा क्या किया रख रखा गया, जो भयंकर कुत्ते थे। और राजा ने सूचना कर दी करवा दी भाई फलाने दिन को महाराजा तमाम राजकुमारों को भोज क्या करेंगे प्रदान करेंगे, भोजनशाला के अंदर फलानी जगह पर भोज के लिए सबने क्या करना है आना है। और वहां पर राजकुमार ठीक टाइम पर पहुंचे और जो भोजन सब जगह पर भोजन लग गया, सारी तैयारी हो गई। अब सूचना होते ही वो भोजन क्या करना था, अब वो भोजन करो, भोजन करने की सूचना भी हुई और उस साथ साथ में हर जगह से वो शिकारी कुत्ते क्या कर दिए गए, छोड़ दिए गए।
अब जिस समय शिकारी कुत्ते चारों तरफ से वहां पर आए जन्म करके और उधर भोजन करने का था, उनका हवल्ला जिस समय मचा तो अफरा तफरी क्या कर जाती है, बच जाती है। उन्होंने कहा वो तो फिर कहां भोजन करना था, कहां भोजन की तरफ ध्यान था, वो तो भोजन लालच तो बहुत आ रहा था, खाएंगे बड़ा अच्छा है, लेकिन तभी इतने भागदौड़ हो गई राजकुमार सोचने लगे किसी तरह से यहां से भाग करके जीवन क्या करो बचा लो। लेकिन श्रोणिक भागा नहीं, उसने जो कुत्ता उसकी तरफ आता था और उसे पड़ोसी तो सब भाग गए थे, उनका बर्तन लेता उसकी तरफ फेंक देता, दूसरा हुआ करके आता वो दूसरा थाल उठाता उसकी तरफ फेंक देता, और तीसरा आता वो जो अड़ोस पड़ोस की थाल पकड़ लेता उसकी तरफ क्या कर देता, और जितने कुत्ते आ गए उन सब की तरफ वो थाल क्या कर दिया। भूखे कुत्ते थे, अब कुत्ते को तो रोटी मिल जाए, खाने को मिल जाए, और क्या चाहिए। अब सबको जो मिल गया, सब बैठ करके खाने लगे, पूंछ हिलाने लगे, और वो भी अपना भोजन बड़े आराम से शरण के बीच में बैठ करके, चारों तरफ शिकारी कुत्ते और जो बड़े भयंकर खूंखार, और उसने ऐसी चालाकी से काम लिया, ऐसी बहादुरता से काम लिया, जो भी कुत्ता आया उसके सामने जो भोजन की थाली फेंकी और उसको खाने में लगाया, दोस्ती उनके साथ हो गई और अपने आराम से बैठ करके भोजन क्या कर रहा। अब जिस समय हावल्ला मचा, भाट भगदौड़ मची, इधर से उधर शोर शराबा हुआ, तो राज दरबार से राजा लोग भी निकल कर के आए, चलो देखो क्या हुआ, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई। जिस समय आए तो सब लोग तो भाग चुके थे, आए तो वह मचा रहे थे, ये क्या तमाशा हुआ, क्या है ये भोजन का क्या तरीका है। लेकिन अंदर जाकर के देखा तो मस्त बैठ करके क्या कर रहा, वो एक ही श्रेणी कुमार आराम से बैठ के भोजन कर रहा है, और चारों तरफ कुत्ते भी पूंछ हिला हिला करके भोजन, अब एक का खत्म हो जाता दूसरी थाली फेंक देता, वो खत्म हो जाता तीसरी क्या कर देता फेंक देता। उन्हें देखा सारे शिकारी कुत्ते बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं और श्रेणी भी बैठ करके क्या कर रहा है। तो मंत्री ने कहा महाराज देखो कितनी इसके अंदर योग्यता है, एक तो इतने भयंकर कुत्ते आए उसने डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। राजा वही होता है चाहे कैसी भी मुसीबत आए लेकिन उसके अंदर क्या करे ना डरे। अगर कोई डर गया, अगर हौसला छोड़ दिया तो फिर जे राजा क्या हुआ। तो सबने देखा राज करने के लायक, राज करने की जो ताकत है वो श्रेणिक कुमार के अंदर है, और कोई राज क्या कर सकता है। यह आदमी कभी मुसीबतों से क्या करता डरता है, अचानक मुसीबतें चारों तरफ से आई लेकिन इसने डरना क्या किया जाना। और मुसीबत में डर गए तो मुसीबत तो हावी क्या कर जाती हो जाती। इंसान मुसीबतों से पहले बचे लेकिन सामने आए तो डट करके उसका क्या करे फेस कर, तो ये तरीका क्या करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुसीबत जब तक नहीं आती तब तक ये आराम से रहते हैं, मुसीबत आने पर हाय तो वह क्या करते हैं मचाते हैं। मुसीबत आने से पहले थोड़ा आदमी को डरना चाहिए, चलो कोई मुसीबत ना आए, आए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। देखा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, अब ये खतरा बढ़ गया और ये बात तो हो गई और सब लोगों को पता लगा श्रेणी कुमार ने तो पूरा भोजन कर लिया। उन्हें कहा हो नहीं सकता, उन्हें कहा कर लिया भाई, उसने तो आराम से बैठ करके कर लिया। राजा महाराज वो लोग भी कहने लगे भाई ये तो दुश्मनों को कुछ न कुछ डाल करके उनको खुश करने क्या करता है, कैसे भी राजा महाराजा हो उनका मुंह पूरा बंद करके उनको मित्र बना करके क्या कर सकता है रख सकता है। अब इधर बात ऐसी हो गई भाई राजकुमार यहाँ रहेगा तो दो परेशानियां, एक तो इसको जान का खतरा है और दूसरा जो है महाराजा के वचन पूरे क्या कर सकते। इसलिए ये कठोर निर्णय किया गया किसी तरह से इस राजकुमार को देश निकाला की सजा क्या कह दिया दे दिया जाए। अब देखो कभी कभी कैसा कैसा सोचना पड़ता, जो जनता का हित ऐसी है, अपना प्यारा है, कलेजे का टुकड़ा है, जो सबसे अच्छा है, सबके लिए प्रिय है, और वो राज परिवार में राज्य दरबार में उन लोगों ने ये निर्णय लिया भाई ये दोनों काम के लिए जरूरी है कि इस राजकुमार को किसी तरह देश निकाले के सजा क्या कर दिया जाए। कभी कभी अच्छा करते हैं तो भी बुरा परिणाम सामने क्या करता है आता है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं वो बुरा भी किसी अच्छाई के लिए क्या करता है होता है। तो आगे प्रकरण कैसा चलता है
और किस तरह से ऐसे राजकुमारों को देश निकाले का सजा देते हैं, अगर पता किसी को लगता है तो कितना अफरा तफरी मचती है। ये आगे समय पर क्या कर लेंगे, बचलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है मिलता है आनंद प्रभु धर्म है लगता धर्म है लगता प्यारा पापों की वह बहती धारा पापों की वह बहती ओ जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है हमारे सभा में श्री घेवरचंद जी साण यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। हम जो है महासती सरिता जी महाराज साहब जो हमारी साधवियों में उप परिवर्तनी के पद के ऊपर थी और 8-10 साल पहले उन्होंने हैदराबाद में चतुर्मास भी किया था, श्रवणोपासक संघ बना तो सबसे पहला चतुर्मास उन्होंने किया था, बड़ी दबंग साधवी थी और उन्होंने उस समय प्रेरणा दी थी कोई संघ बनता है तो उसको जगह होना भी क्या है परम आवश्यक है, और उसी प्रेरणा से आज कितनी बड़ी जगह क्या कर गई है। वो कोई कोई ऐसे होते हैं जिनकी बात लगती है तो बात क्या कर जाती है, बन भी जाती है, लेकिन अचानक दुर्घटना के अंदर उनका देवलोक हो गया। ये परिवार के लिए समाज के लिए हमारे लिए सबसे तकलीफ का दिन थे, वो सबसे तकलीफ की बात थी और आज भी है। उनके माताजी उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और इसी प्रकार एक संस्था चलती है गुरुदेव के नाम से, वैसे हम संस्थाओं का कभी प्रचार भी नहीं करते, कभी डोनेशन भी नहीं करवाते, हमारा तो ऐसा है गुरुदेव का है जिस स्थान के अंदर जाओ वहाँ पर जो जरूरत हो उसकी प्रेरणा तुम क्या करो दे दो। इसलिए जगह जगह पर थानक बने, हॉस्पिटल बने और कार्यक्रम चल रहे हैं, वैसे आराध्य गुरुदेव के नाम से श्री सुमति विशाल चैरिटेबल ट्रस्ट ये दिल्ली के अंदर क्या करता है चलता है, और उसके अध्यक्ष है श्रीमान अनिल जी जैन, उपाध्यक्ष है चक्रेश जी जैन, विनोद जी जैन और उसके महामंत्री यशवी जैन और उपमंत्री हसमुख जैन, ये परिवार सहित यहाँ पर अधिकारी गण क्या हुए आयोग। दिल्ली के अंदर एक भवन है उसके अंदर जो एलोपैथिक डिस्पेंसरी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और उसके अंदर आँखों का हॉस्पिटल और उसी के अंदर जो फिजियोथेरेपी सेंटर और सिलाई स्कूल, ये फ्री के अंदर क्या करते हैं गरीबों के लिए चलाते हैं। और गनौर के अंदर एक जो गनौर हरियाणा में जीटी रोड के ऊपर साधु साधवियों के आने जाने के लिए बड़ा भव्य कार्यक्रम वहाँ पर किया हुआ है, उनकी सेवाएँ देते हैं। और ये अनिल जी ने अपने माता पिता के नाम पर वहाँ पर पक्षियों का 3 मंजिला हॉस्पिटल क्या हुआ बनाया हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर रखे हुए हैं और जीव जंतु छोटे मोटे और जितने भी जीव जो पक्षी हैं उनकी पूरी पूरी सेवा वहाँ पर क्या करती है होती है। ये ट्रस्ट हरियाणा में भी काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर भी काम कर रहा है। अनिल जी, एसवी जी, चक्रेश जी, विनोद जी, हंसमुख जी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर किसी भाई बहन ने किसी भी तरह से कोई सहयोग वगैरह देना हो तो परोपकार की सेवा के काम के अंदर सहयोग वगैरह क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं या उनका नंबर वगैरह ले सकते हैं, कभी भी जीव दया में कुछ करना हो तो जरूर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दिल्ली से जो है श्री प्रवीण जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी बहुत आयु प्रवीणा जी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और यहाँ पर जो नमकार मंत्र का 11 घंटे का जाप चल रहा है उसमें जो है आज का जो जाप है किशोर चंद जी ताराबाई जोगड़ परिवार की तरफ से है,
और उनका आग्रह आप लोगों ने सबने उनको सहयोग देना है, उस परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं है, जिससे उनके रिश्ते में हैं जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयत्न करना है। कल का जो जाप है केवल चंद जी, उत्तम चंद जी, विनोद जी, चंदा भाई, सिंघवी परिवार की ओर से कल का जो जाप रहेगा तो उसमें भी सिंघवी परिवार की तरफ से सबको आमंत्रण है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके अंदर सम्मिलित होकर के जाप के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के एकासनों का पचखान, बियासनों का पचखान, एकासना के मांसखमण, बड़े छोटे सभी जो है तपश्चर्याओं का प्रत्याख्यान आराध्य गुरुदेव करा रहे हैं। एकासना बियासना की तपश्चर्याएं तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज के आयम मिल का प्रत्याख्यान, आज का आयम मिल है उमराव बाई कोठारी जी का है, और भी किसी का आयम मिल हो तो आयम मिल का बचखान कर सकते हैं। आपके जो बड़ी आयम मिल की तपस्या चल रही है सुरणा परिवार की तरफ से, और कल का आयम मिल है नन्ना भाई बम का, और भी जिनका नाम हो तो लिख करके दे सकते हैं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज के बेले का प्रत्याख्यान, बेला अगर किसी भाई बहन का बेला हो तो दो उपवास, तीन उपवास, चार उपवास, और सबसे लंबी तपस्या चल रही है ललिता भाई नाहर परिवार से, ललिता भाई नाहर धर्मेंद्र जी नाई की धर्मपत्नी, उनका आज 19वां उपवास है, आज 19वें उपवास का प्रत्याख्यान। बड़ी लंबी तपस्या आप कर रही हैं, साता रहे इसे मंगल कामना है। हाँ प्रश्न मंच सब, तो प्रश्न मंच के जो प्रश्न तैयार हैं और जिन्होंने लेना है पुनित मुनि जी से और पुष्पा भाई से आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो प्रश्न मंच घर में ही पूरा करके लाना है, स्वयं करने का प्रयत्न करना है। जिसने लिया है ठीक है, नहीं लिया है प्रश्न मंच का पत्र लेकर के भर करके ला करके जमा करवा सकते हैं। अब संघ की तरफ से संघ के महामंत्री आगे की सूचनाएं दे रहे हैं और सूचनाओं के अनंतर आराध्य गुरुदेव का मंगलमय मंगल पाठ होगा। आज बिहार
Yeah.